हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेना जीजी रेसिपीज। तो आज आम आपन को बनई के देखेबो आचारी मसला चिकन। तबे चालन तो यार प्रस्तुति प्रणाली जानिबा। तबे चालन तो हम प्रथमे आचारी मसला पाउडर प्रस्तुत कर देबा। सेथि पे मोठर पैन गरम कर दीजिए। एबे सेथरे कोन कोन सामग्री दरकार जान नबा। देखो तो मोठरे गोटे 1 टीस्पून नै जाई धनिया, 1 टीस्पून सोरिष, हाफ टी स्पून जीरा एवं 1 टीस्पून पान मधुरी, 1/4 टीस्पून मेथी नहीं जाइए। यह मिसे भल भाव फ्राए करदे। मीडियम फ्लेम रे आम यह हल्का भाव फ्राए करदे। देखो मसला सब आम भल भाव फ्राए हो जाए। गैस फ्लेम को अफ करदे एवं यहाँ ठंडा होगा किसी समय छाड़ दूँ। देखो तो मसला ठंडा हो जाए मुझे ग्राइंडिंग जार को बाहर कर देती। यार गोटे भल पाउडर बनईदे। देखो तो ये आम आचारी मसला पाउडर प्रस्तुत हो जाए। आम यह किसी मैरिनेट्रे चिकेन मैरिनेट करने व्यवहार करवा किसी तरकारी पकेबा। तेज चलत प्रथम चिकेन को मैरिनेट करदे। देखो मुझे 500 ग्राम चिकेन नहीं जाइए। से मुझे एड कर हाफ कप दही एड कर 1 टीस्पून अदा रसुन पेस्ट ऐड कर 1 टीस्पून लंका गुंड, 1/4 टीस्पून हलदी गुंड और हाफ टी स्पून लुण। आम जो आचारी पाउडर बनई से 2 टी स्पून देदे। भल भाव गोल दे। देखो मुझे चिकेन को मैरिनेट कर देचे। मैरिनेट कर सारे गोटे घंटा रेस्ट करने तक रखिदे। तापर आम प्रोसेसिंग स्टार्ट करवा। देखो चिकेन आम मैरिनेट होता भितर आम टमाटो पियाज को भाजी ग्राइंडिंग करदे। से मुझे कड़े गरम कर 1 टी स्पून तेल नहीं जाइए। टमाटो पियाज को एड कर 2 टमाटो और 2 पियाज को काट नहीं जाइए। देखो गोटे मिनिट जाए आम मीडियम फ्लेम रे भाजवा देन आम ग्राइंडिंग करदे। देखते गोटे मिनिट हो गला। प्याज टमाटो आम भल भाव फ्राए होगा। गैस फ्लेम को अफ करदे और थंडा होगा किसी समय छाड़ दे। थाला आम ग्राइंडिंग कर गोटे पेस्ट फाइन पेस्ट बनईदे। देखो टमाटो प्याज को मुझे ग्राइंडिंग जार को ट्रांसफर कर देती। एब यार गोटे फाइन पेस्ट बनईदे। एवं चलत तरकारी बनवा स्टार्ट करवा। से मोटे कड़े गरम कर देती। से 4 टेबुल स्पून तेल एड कर 1/4 टी स्पून कला जीरा ऐड करिबा। एवं सेथरे टमाटो एवं प्याज रो पेस्ट बनेथले ताको ऐड करछु। एवं अदा रसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड कर। हम से 1/4 टी स्पून लुण ऐड करवा कारण आम मैरिनेट कला लुण अलरेडी ऐड कर। हाफ टी स्पून लंका गुंड ऐड करवा। यहाँ मीडियम फ्लेम रे 5 मिनिट जाए भल भाव कषिदे। से आम चिकेन ऐड करवा। देखो तो 5 मिनिट हो गला। मसला भी आम भल भाव कषि गला। एवं मुझे से मैरिनेटेड कर रखि आम चिकेन को ऐड कर। भल भाव गोलईद। फ्लेम को मीडियम रे रखा। एवं यहाँ भल भाव कुक करवा।
ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାକି ବଚିଥିବା ଆଚାରୀ ପାଉଡ଼ର୍କୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛେ। କିଛି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କଲାବେଳେ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, ବାକି ମୁଁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଭଲ ଭାବେ କଷିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏବଂ ଏହାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଆମେ କୁକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଚିକେନ୍ ବି ଆମର ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଚିକେନ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଆଚାରୀ ମସଲା ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।